क्लास हमारा जो नेक्स्ट एविडेंस है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एनाटॉमी और यही हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है। तो जब हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमने ये सीखा था कि जो फॉसिल्स हैं वो रिजेंबल करते हैं हमारे प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म से। नाउ क्लास, कंपैरेटिव एनाटॉमी को हम दो तरीकों से पढ़ते हैं। पहला है होमोलोगस स्ट्रक्चर, दूसरा है एनालोगस स्ट्रक्चर। तो क्लास हम शुरुआत करते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर से। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट मैमल्स हैं, ह्यूमन, वेल, कैट एंड बैट। अगर हम इनके फोर लिम्स को देखें तो हमें यहाँ पे सिमिलैरिटीज नज़र आएंगी। जैसे कि अगर हम इनके फोर लिम्स को थोड़ा सा एनाटॉमिकली स्टडी करें यानी उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर देखें तो हम पाएंगे कि जो मैन का फोर लिम्ब है उसमें ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं और फैलेंजीज हैं। सिमिलरली जो वेल के फोर लिम्स हैं उसमें भी ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं और फैलेंजीज हैं। सिमिलरली कैट के फोर लिम्ब में भी ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं और फैलेंजीज हैं। और बैट के फोर लिम्ब में भी ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं और फैलेंजीज हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास सीखा कि फोर लिम्ब्स ऑफ मैमल्स की स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन क्या फंक्शन सेम है। अगर मैं मैन के फोर लिम्ब की बात करूँ तो मैन के फोर लिम्ब उसको चीज़ों को पकड़ने के काम आते हैं, वेल के फोर लिम्ब उसको तैरने में मदद करते हैं, कैट के फोर लिम्ब उसको दौड़ने भागने में मदद करते हैं और बैट के फोर लिम्ब उसको उड़ने में मदद करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में इवॉल्व हुए हैं, दस इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और एज आई सेड कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो सेम है लेकिन फंक्शन इज डिफरेंट और इस तरह के ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर या होमोलोगस ऑर्गन जो शो करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री। अब हम बात करेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर इन प्लांट्स में। नाउ क्लास हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे थॉर्न ऑफ बोगनविलिया है और ये जो आप देख रहे हो ये है टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। तो यहाँ पे जो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया है और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा है इनका ओरिजिन सेम है लेकिन अगेन यहाँ पे फंक्शन डिफरेंट है। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट होमोलॉजी। क्लास अब हम बात करते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं पेंगुइन एंड डॉल्फिन के फ्लिपर्स को और ये दोनों ही अपने फ्लिपर्स को यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्विमिंग। अगेन हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई को। नाउ क्लास अगर हम पेंगुइन के फ्लिपर्स और डॉल्फिन के फ्लिपर्स को इंटरनली देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो डिफरेंट होता है। सिमिलरली अगर हम विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई को देखें तो इनका भी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट होता है लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या है, सेम। यानी ये विंग्स को यूज कर रहे हैं फॉर फ्लाइंग पर्पस। सो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो इवॉल्व हुए हैं टू परफॉर्म सेम फंक्शन। दस हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है बिकॉज ऑफ द सेम फंक्शन कहीं ना कहीं आके कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, दस इस तरह के ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन या एनालोगस स्ट्रक्चर जो शो नहीं करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री को। नाउ क्लास हम यहाँ पे बात करते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर इन प्लांट्स की। हम यहाँ पे लेते हैं पोटैटो और स्वीट पोटैटो। पोटैटो एक स्टेम है और स्वीट पोटैटो एक रूट है। दोनों का ही स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट दोनों ही एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो है स्टोरेज ऑफ फूड। दस पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो दे ऑल्सो शो एनालॉजी।